अगला सवाल प्रीतम का है। वो शुगर पेशेंट है और उनका वजन काफी घट गया है, तो अब वो थोड़ा वजन बढ़ाना चाहते हैं अपना। वजन बढ़ाने के लिए चाहे शुगर से वजन बढ़ाओ या किसी भी कारण से बढ़ाओ, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दंड बैठक लगाएं, कपालभाति या अनुलोम विलोम तो उनको करना ही करना है। वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट माने खजूर, खजूर जो है ठंडे दूध में खानी चाहिए। पंखे के नीचे दूध को रख दो थाली में, इतना बढ़िया ठंडा होता है। फ्रिज का रखा हुआ दूध ठीक नहीं होता है। ठंडे दूध में तो स्वामी जी वो खजूर और शुगर पेशेंट के लिए कोई मसला तो नहीं है? उसमें तो अश्वगंधा शतावर भी मिला सकते हैं। आज जबर तो मैं अभी चार पांच एक साथ उपाय बता रहा हूँ। खजूर, खजूर जो दो से तीन खजूर तो शुगर वाले भी खा सकते हैं, वो उसका शेक बना करके ना ले। ठीक। और मैं तो शुगर वाले पेशेंटों को खजूर खिलाता हूँ, बाकी कहता हूँ कोई दूसरा स्वीट मत खाना। फिर अश्वगंधा शतावर उनका वेट बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। जिनको वेट बढ़ाना है और शुगर नहीं है तो केला भी खा सकते हैं, वो आम भी खा सकते हैं। वजन को बढ़ाने के लिए बेस्ट है पुरुषों के लिए अश्वगंधा और लेडीज के लिए शतावर। किसी को भी वेट बढ़ाना है उसके लिए वो परम औषधि है। और दूध दही छाछ का प्रयोग, दूध दही छाछ जितना अधिकतम लेंगे उतना वेट बढ़ेगा। और घी या मक्खन भी खाएं, लेकिन ये सब करने से पहले योग को जरूर अपनाएं। मैं तो डायबिटीज वालों को नॉन डायबिटिक करके और डायबिटीज वाले पेशेंट का मैंने 10-10 किलो वजन बढ़ाया अश्वगंधा शतावर और दूध से। और यदि दूध यदि ऊँटनी का पी ले फिर तो बात ही क्या। ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज वालों के लिए इंसुलिन का काम करता है। और हम यहाँ स्वामी जी इतनी खाने पीने की बात हो गई तो अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि कुकिंग सेगमेंट। गर्मी में सेहतमंद रहने के लिए आपने योग बताए, प्राणायाम बताए, कौन कौन से हमें निरंतर करने चाहिए योगाभ्यास प्राणायाम। अब उन घरेलू नुस्खों की बारी आती है जिनको करने से हमें गर्मी से राहत मिलेगी, आराम मिलेगा और घर में ही, घर के किचन में ही सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो सिग्नेचर नॉली क्रिया। कब से लगा रही ब्यूटी क्रीम? दो साल से ब्यूटी क्रीम लगा रही। क्या नाम है? महादेवी। स्वामी जी क्या है आज खास? तो देखो आज है ये प्याज की चटनी, थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर, और फिर हरी मिर्च का, अब जिसको ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनानी हो तो थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हरी मिर्च जो है, अब इसको हरी मिर्च के साथ और फिर इसके अंदर जो है ये डाल दी प्याज। अब ये प्याज जो है ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। अब इसमें किसी किसी को प्याज ना वो तीखी लगती है, तो इसकी मीठी चटनी कैसे बनानी है तो इसके अंदर या तो मिश्री मिला दें, हमने मिश्री का भी पाउडर यहाँ पर रखा हुआ है, या तो इसके अंदर मिश्री मिला दें या इसके अंदर बूरा या खांड मिला दें। हमने खांड और बूरा भी देशवासियों को इसलिए उपलब्ध करा दी, लोगों को ये चीज़ें मिलती नहीं थी। और ये मीठी चटनी इतनी स्वादिष्ट लगेगी जब इसको हम धनिया पुदीना के साथ जब इसका सेवन करेंगे और इसका आनंद लेंगे। और उधर हमारे साइंटिस्ट है, बड़ी जबरदस्त चटनी घोट रहे हैं, जोरदार ताली बजा दो हमारे अनुराग जी के लिए भी। तो ये हरा हरा धनिया प्याज और उसकी चटनी और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के, क्या बात है। डॉक्टर साहब का स्वाद भी आएगा, आपकी पत्नी आज बहुत प्रसन्न हो जाएंगी कि उनके पति हाथ बटाने लगे हैं और घर में भी काम आएगा स्वामी जी ये हुनर उनके लिए। तो ये आज की रेसिपी नमकीन और मीठी चटनी प्याज की, ये बड़ी जबरदस्त है। आम का पना बनाना हो तो वो भी थोड़ा सा उसको उबाल करके और फिर आम का पना उसमें थोड़ा सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल करके, क्या जबरदस्त बनता है। ये भी आज कई रेसिपी एक साथ बता दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। योग शास्त्र और पाक शास्त्र का सारा बोध दे दिया है। अब ऑथेंटिक योग के बाद ऑथेंटिक न्यूज, प्रामाणिक उपचार और प्रामाणिक समाचार, अब तो इंडिया टीवी नंबर वन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीआरपी में भी वैसे तो था ही। धन्यवाद।